हिंदी व्याकरण का पार्ट दो वर्ण विचार के बारे में बताने जा रही हूँ। और आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपको मैंने ऑडियो भेजा था, उसमें आपको मैंने बताया था सारा कुछ कि वर्ण क्या होते हैं। आप ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं क्लास में से वर्ण विचार। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और ये वर्णमाला में, हमारी वर्णमाला में 55 वर्ण होते हैं, 55 यानी 55 वर्ण होते हैं। और वर्ण जो होते हैं, ये आपको पहले बताया जा चुका है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और हमारे हिंदी व्याकरण में 55 वर्ण होते हैं, और ये 55 वर्ण जो तरीके से हमारे यहाँ जो वर्ण सजाए जाते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण में हमारे यहाँ वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोग। तो आज हम आपको स्वर के बारे में बताते हैं कि स्वर 11 होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला के, अ से लेके औ तक। अ आ ई उ ओ र ए ऐ ओ औ। इसके बाद है आगत स्वर। आगत स्वर का मतलब होता है जो स्वर हम बाहर से लेते हैं, दूसरी भाषा से लेते हैं, जैसे अ। हम अर्धचंद्र का प्रयोग करते हैं जिन शब्दों में, वो आगत वर्ण है जो हमने अंग्रेजी भाषा से लिया है। तो इस तरह हमारे हिंदी भाषा की वर्णमाला में आगत स्वर एक है। इसके बाद है अयोगा। अयोगा दो होते हैं, हम और अहा, जिनका प्रयोग हम अनुस्वर और अनुनासिक शब्दों को लिखने में करते हैं। तो दो होते हैं अयोगा, हम और अहा। इसी प्रकार व्यंजन, व्यंजन 33 होते हैं क से लेके हा तक, मगर हमने इसमें दो व्यंजन पढ़ाए हैं अपने हिंदी भाषा को सुविधा अनुसार सुगम रूप से लिखने के लिए, कि ड और नीचे हमने बिंदु लगा दी है तो इसे रा का रूप में इस्तेमाल करते हैं, और ढा ढक्कन का जो होता है उसके नीचे हमने बिंदु लगाई है तो उसे हम ढा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम जाना पड़ता है, अगर हम इसके नीचे बिंदु नहीं लगाते तो हम उसको पढ़ते जाना पड़ता है, और ये डा का इस्तेमाल सही नहीं था इसलिए हमने इसे बिंदु लगाकर ढा के रूप में हमने इसे इस्तेमाल किया। ढ पढ़ाई, चढ़ाई, पढ़ाई, तो इस प्रकार ये ढा है जो ढा के नीचे बिंदु लगाकर हमने इसे इस्तेमाल किया ढा के रूप में, क्योंकि अगर हम पढ़ाई बोलते, कढ़ाई बोलते या और भी हम जो शब्द इस्तेमाल करते उस पर ढा का इस्तेमाल करते या ढा का नहीं करते तो ये हमारी जो भाषा रहती वो परिपूर्ण नहीं रहती और सुनने में भी काफ़ी अटपटी रहती। इसी प्रकार के संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हमारी भाषा में 4 होते हैं हिंदी भाषा में, श, ल, य और श्र। ये दो वर्णों के मेल से बने हैं इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, और हमारी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है, श, प्र, य और श्र। ये किनके शब्दों के मेल से बने हैं, व्यंजनों के मेल से बने हैं, ये हम आपको बाद में बताते हैं। फिर है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन जो है, हमने जैसे आपको आगत स्वर के बारे में बताया कि हम दूसरी भाषा से जो शब्द लेते हैं वो आगत शब्द कहलाते हैं। तो आगत स्वर जैसे अ था, वैसे ही आगत व्यंजन में जो आगत व्यंजन हम लेते हैं ज और ह, ये हमने लिए हैं अरबी भाषा से। जो जो लोग उर्दू इस्तेमाल करते हैं तो जैसे हम जमीन बोलते हैं तो जमीन नहीं कहते हैं, इसे जमीन कहा जाता है। जैसे फल कहते हैं, फल फल नहीं कहते हैं, फल कहते हैं। तो इसी प्रकार ये आगत व्यंजनों की संख्या 2 है, ज और फ। अब है वर्णों के भेद। वर्णों के भेद जैसे हमने अभी आपको पहले ही बताया था कि स्वर, व्यंजन और अयोगा। स्वर आपको बताया हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33 प्लस 2 और अयोगा होते हैं 2, अम और अहा। अम और अहा हम शब्दों के ऊपर बिंदु और चंद्र बिंदु लगाकर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम अनुस्वर और अनुनासिक कहते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, लघु, दीर्घ और प्लुत स्वर। लघु मतलब
होते हैं आपको मालूम होगा, बताया भी था पहले हमने कि स्वरों का इस्तेमाल हम मात्रा लगाने में करते हैं। तो लघु स्वर जो कहलाते हैं वो छोटी मात्रा होती है, जैसे छोटी ई की मात्रा आ की मात्रा नहीं होती है इसलिए हम उसे अलग श्रेणी में रखते हैं, किंतु ई छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ छोटा ए बड़ा ए छोटा ओ बड़ा ओ, तो इस प्रकार हम लघु या लस स्वर जो कहते हैं वो होते हैं छोटी ई की मात्रा वाले, और इन शब्दों को बोलने में बहुत कम वक्त लगता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो होते हैं वो लघु स्वर की अपेक्षा दुगुना समय देते हैं उच्चारण के समय। तो लघु स्वर की अपेक्षा जो स्वर उच्चारण में दुगुना समय लेते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसके बाद है प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लेने वाले स्वर को हम प्लुत स्वर कहते हैं, यानी लघु स्वर को दीर्घ स्वर को बोलने में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है, तो प्लुत स्वर को लघु स्वर से बोलने में तीन गुना टाइम लगता है। जैसे हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं ओम, तो ओम के बीच में जो हम लोग एक संकेत के रूप में एस बनाते हैं यही होता है प्लुत स्वर का उदाहरण। तो बच्चों इस तरह आपको हमने बताया कि स्वर व्यंजन अयोग बाह क्या होते हैं, स्वर के भेद क्या होते हैं, और व्यंजन के भेद हम अभी नेक्स्ट क्लास में आपको बताते हैं। अभी इस समय कोरोना की स्थिति में आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए, सर्वदा।